हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप मेरी बेटे की ब्यूटीफुल स्माइल के साथ आज का वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। ठंड बहुत एक्सट्रीम है और ये बैठ करके हीटर के पास हाथ सेक रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ नया तो है नहीं, चलो घर में जो करते हैं डेली तो एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग इसको इंजॉय कीजिए। तो ये देखिए मेरे बेटे कैसे इंजॉय कर रहे हैं ठंड को। और ये देखिए, ये गुड़िया ने ऑनलाइन शॉपिंग की थी। अब घर में ठंड में करना क्या है, अच्छी अच्छी रेसिपी बनाइए और ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए। तो ये देखिए फ्रॉक पूरा सेट मंगाया है, ये 700 में पूरा सेट आ गया है। आप देख सकते हैं ये जॉर्जेट की फ़्रॉक है, ये बहुत अच्छी है, दुपट्टा भी साथ है, प्लाज़ो भी साथ में है और ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, 700 में आपको क्या ही मिलेगा। और ये दुपट्टा भी आप देखिए पूरा 2.25 मीटर का अच्छा दुपट्टा है। और अगर आपको ये पसंद आए तो इसको मीशो से ऑर्डर कीजिए जल्दी, इससे पहले कि ये ऑफ़र ख़त्म हो जाए। और ये अम्मी भी देख रही हैं और इन्हें भी पसंद आया है, तो ज़रूर इसको बताइए कि कैसा लगा ये ड्रेस मेरा। फिर हम लोग चाय वाय पी करके हम लोग बैठ के आग सेक रहे हैं मम्मी के रूम में। तो ये मेरा बेटा जो है ये बस ऐसी मस्ती करते रहते हैं, अब ठंड में क्या ही करना, अच्छी अच्छी रेसिपी बना लीजिए, बेटे के साथ मस्ती कर लीजिए और चाय पकौड़े यही सब तो है। और देखिए ये कितना खुश हैं, अब इन्हें कुछ करना तो है नहीं। मैंने इन्हें अच्छा खासा कपड़ा भी पहना रखा है, ठंड लगती है। ये है चिकन का कोफ्ता, ये रेसिपी बन चुकी है, अगर आप कहेंगे तो इसकी हम शेयर करेंगे। ये बन रहा है रात का डिनर और ये पड़ी ऊपर धनिये की पत्ती मटर के साथ ही बन चुका है और इसमें पड़ेगा आलू और ये रोटी के साथ बहुत ही यम्मी लगता है। आप चाहे तो चावल से भी खा सकते हैं। देखिए ये रखा हुआ है आलू और बहुत ठंडी है, खतरनाक वाली। उसे बीमारी पकड़ लेता है। और इसका आवाज़ हटा देंगे। ये देखिए इसमें पड़ गया आलू और ये नॉनवेज खाने का यही सीजन है ठंड। और ये पड़ेगा फिर टमाटर और धनिये की पत्ती फिर। तो चलिए ये हमारा डिनर रेडी हो रहा है। आए थे दवा लेने बहुत ठंडे भाई के साथ, एकदम खतरनाक वाली ठंड, देख लीजिए हो रहा है एकदम सन्नाटा। लेकिन दवा ले ली, गोरखपुर की ठंड भी बहुत हो रही इस बार, तो पूरा एकदम देखो कब तक दुकान खुली रहती है अंकल आपकी? रात के 10 बजे तक, आधा घंटा और। 9:30 बज गया। इनका टाइम है तो ये बैठ के कार्टून देख रहे हैं। तो मैंने आज इनको समझाया है कि कोई भी अजनबी के साथ कोई भी आपको कुछ खाने को दे जिसे आप नहीं जानते हो तो आपको ऐसा खाना नहीं खाना है, उसे आपको बातें नहीं करनी है, है ना। तो बच्चों को थोड़ा बहुत समझाना भी चाहिए, वो बच्चों के लिए ठीक होता है क्योंकि उनके माइंड में ना एक बात बैठ जाती है, फिर बच्चे उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। जैसे आप हर चीज़ बताते हैं, गुड टच बैड टच, बच्चों को ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। तो मैंने आज अपने बेटे को समझाया है कि कभी कोई बाहरी आपको कुछ खाने को दे तो आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, है ना बेटू? हाँ। क्यों नहीं खाएंगे? खाना चाहिए, है ना? हाँ। वो आपको बेहोश कर सकते हैं ना? हाँ। तो इनको प्रॉपर ये बात समझ में आ गई है। तो अब ये देखिए रात हो गई, अब मेरे बाल ना, मैंने बहुत दिनों से बाल में कंघी नहीं की है ठंड की वजह से, आप देख सकते हैं कि बस ऐसी है। तो देखिए रात का कितना बज रहा है, रात का शायद कितना बज रहा है, ये 11:30 होने वाले हैं और मैं बेटे के साथ बैठी हूँ। बहुत ठंड है, एक्सट्रीम वाली ठंड है। बेटा कैसे ठंड है, ठंड करके दिखाई, कैसे ठंड लग रही है आपको, करो। तो मैंने इनको देखिए प्रॉपर कपड़ा पहना रखा है, इनको अंदर वार्मर पहना रखा है। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि नए साल पर मेरी फ्रेंड ने इनको थर्मल गिफ्ट किया था, तो थैंक यू सो मच मौसी, बोलो थैंक यू सो मच मौसी। तो और बैंक वाले भाई ने, इनके बड़े मामा ने इनके लिए बहुत अच्छी स्वेटर गिफ्ट की थी, वो भी अंदर इन्होंने पहन रखा है। नानी ने इनको बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट की थी गर्म, बच्चों के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि मतलब बच्चों को बिल्कुल बचा के तुपका के इनको एकदम तुपका करके रखी, तुपका करके रखी है। देखिए ब्लैक एंड वाइट लग रहा है हम लोग।
देखिए हम दोनों लोग का ना कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड व्हाइट लग रहा है ना, ये इतना गोरा मैं इतनी काली है ना। हाँ। अभी इतना बड़ा हो गया है ये कहता है मम्मा मेरे कंधे पे सर रख के सो जाओ, ये मेरा प्यारा बेटा एक दिन ये बड़ा हो जाएगा और एक दिन ये मुझे अपने साथ गाड़ी पे बिठा के पीछे ले जाएगा बाइक पे, है ना बेटू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये एक माँ बेटे की लाइफ की जर्नी है, ये एक सिंगल मदर की लाइफ की जर्नी है, मैंने पहले भी बोला है मैं बहुत सारे इसमें अच्छे अच्छे वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, कुकिंग से रिलेटेड, मोटिवेशनल और सब कुछ इसमें आपको मिलेगा देखने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, बोलिए बेटू 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 गुड गुल्लू मुल्लू मम्मा। ये देखिए ये लैपटॉप तो इन्हीं का है प्रॉपर, इनका इसको सब कुछ करना इन्हें आता है, ऑन ऑफ सब कुछ करना, शट डाउन सब कुछ कर लेते हैं, आप देख सकते हैं ये कैसे देख रहे हैं। तो अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रखिए, अपने बच्चे का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए। ये देखिए मैं जा रही हूँ चिप्स को तलने, बेटे ने फरमाइश कर दी कि मम्मा मुझे चिप्स तल के दो, मैं बाहर का उनको नहीं देती हूँ तो मैं चिप्स भी देखिए घर में ही मैं मतलब फ्राई करके उनको देती हूँ ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी तेल शायद गरम नहीं है, तो ये देखिए तेल कुछ गरम हो गया, ये देखिए मैंने ऐसे इसका ट्राई किया क्योंकि जब तक तेल नहीं गरम होगा ना तो फिर अच्छे से नहीं होगा ट्राई। तो ये देखिए ठंड बहुत है और रात एकदम रात हो गई है, देखिए अभी भी शायद लगता तेल नहीं है, गर्म हुआ था ठीक से। बच्चे हैं ना, बच्चों को तो कुछ ना कुछ चाहिए और ठंड में ना भूख भी लगती है। अब उन्होंने फरमाइश किया कि मम्मा मुझे कुछ बाहर का दो, डिनर हो ही चुका था, मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई कर देती हूँ, अंकल चिप्स से तो बेस्ट ही है। देख सकते हैं ना, देखिए बाबू के लिए हम कर रहे हैं चिप्स फ्राई और ये हो गई है फ्राई। देखिए कितनी अच्छी चिप्स फ्राई हुई, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ना, और देख कर कहीं जल ना जाए तेल है। तो ये देखिए मैं बेटे के लिए लेके जा रही हूँ फ्राई करके चिप्स। तो बस ये देखिए मैंने चिप्स फ्राई कर दिया है और ये रात का डिनर हो गया है, लगभग ये 12:30 बज रहा है रात का और इनको भूख लगी थी तो मैं चिप्स फ्राई करके ले आई। तो अब देखिए कैसे ये दुबके हुए हैं रज़ाई के अंदर ना, और ये लैपटॉप देख रहे हैं और ये चिप्स भी खा रहे हैं। बहुत बहुत एक्सट्रीम ठंड हो रही है, आवाज़ भी नहीं निकल रही है। रात हो गई है तो मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि रात में चाय और रजाई में बैठ के पीने का मज़ा ही कुछ और है फैमिली के साथ। इतनी ठंड है कि आवाज़ भी नहीं निकल रही है मेरी, बहुत बहुत कड़ाके की ठंड है। देखिए चाय इसमें चाय की पत्ती अदरक, तो मैं बना रही हूँ एक कप चाय, वो हाफ हाफ हम लोग पियेंगे और इसको अच्छे से खौला लेते हैं। और ये देखिए मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ अदरक, बेटा चिप्स खा रहा है तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा चाय बना के पीती हूँ। और आप देखिए कि चाय अभी खौल रही है, देखिए चाय की पत्ती ना जाए तो मैंने छन्नी का यूज़ किया है और बहुत ठंडी है, तो ये चाय को इसमें करते हैं। माय गॉड, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। ठंड बहुत है और ठंड में अदरक वाली चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। और भूल भुलैया मूवी का सॉन्ग मन कर रहा था गाने का, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सॉन्ग भी गा दिया, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, क्योंकि हम लोग लैपटॉप पे इसी मूवी को देख रहे हैं और ये हमारी चाय रेडी हो गई है और अब मैं इसको अपने रूम में लेके चल रही हूँ। तो आप भी इस चाय को एंजॉय कीजिए। रात के 12 बजे चाय, ये देखिए ये भी बैठे हैं, पियोगे क्या गर्मा गर्म चाय? ओ माय गॉड, यास्मीन के हाथों की बनी चाय पीजिए। तो
बस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो यार, और ये चाय भी साथ में एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर। माँ बेटी की दुनिया है ये, और ठंड से मेरी आवाज नहीं निकल रही है एकदम, मेरा बर्फ जम चुका है बिल्कुल। माय गॉड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।